हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 36। इस चैप्टर के भी 35 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए। और ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ इकलौता दिशा क्लासेस ही चैनल है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 20 है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में दो मेथड्स दिए हुए हैं। इन दोनों ही मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 में। फर्स्ट मेथड हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है सेकंड मेथड जो है पर्सनल सेलिंग। एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हमने क्या स्टार्ट कर रखा है। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है मेजर स्टेप्स इन इफेक्टिव सेलिंग। जब पर्सनल सेलिंग करने के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में जाता है तो सेलिंग करने के लिए उसे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं या फिर पर्सनल सेलिंग करने का क्या प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनमें से जो हमें लगता है कि भी ये एक क्वालिफाइड लीड है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उस प्रॉस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है कि किस टाइप की उसकी पर्सनैलिटी है, किस तरीके से वो बाय करता है, क्या उसका मेथड है। उसके बाद हमें उसको कांटेक्ट करके अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन करनी है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसकी एडवांटेजेस हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है या कस्टमर है उसके कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी उसके माइंड में, उनको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ओवरकम करना है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद फाइनली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अपनी सेल्स को क्लोज करना है, सेल्स की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उनको फाइनलाइज करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। उसके सेल्स ऑर्डर के बाद कुछ टाइम के बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एक फॉलो अप मीटिंग या कॉल करनी है ताकि वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के जो भी एक्सपीरियंस है हमारे प्रोडक्ट के बाद उसको ले सके और उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ नेसेसरी है उनको प्लान कर सके। तो ये हमारा है प्रोसेस पर्सनल सेलिंग करने का। 4 जो हमारे स्टेप्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस के थ्रू। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाले 2 स्टेप्स को, क्लोजिंग, कैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को क्लोज करनी चाहिए सेल्स, और कैसे उनको फॉलो अप एंड मेंटेनेंस करना चाहिए। इन दोनों ही स्टेप्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारा ये प्रोसेस पर्सनल सेलिंग का कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा 5th स्टेप, क्लोजिंग। क्लोजिंग साइंस फ्रॉम द बायर इंक्लूड फिजिकल एक्शंस, स्टेटमेंट्स और कमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ये कह रहा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कैसे पता चलेगा कि सेल्स को क्लोज करना है। क्लोजिंग करने के लिए जो साइन मिलेगा वो हमें बायर से मिलेगा, या तो उसके फिजिकल एक्शंस की तरफ से या उसके कुछ स्टेटमेंट या कमेंट्स होंगे जिनसे हमें आइडिया आ जाएगा कि भाई सेल को क्लोज करना है, या फिर उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनसे हमें आइडिया मिल जाएगा कि भी सेल क्लोज करनी है। रिप्रेजेंटेटिव कैन आस्क फॉर द ऑर्डर, रिकैपिटुलेट द पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट, ऑफर टू हेल्प राइट अप द ऑर्डर, आस्क वेदर द बायर वॉन्ट्स ए और बी, गेट द बायर टू मेक माइनर चॉइसेस सच एज कलर और साइज, और इंडिकेट व्हाट द बायर विल लूज बाय नॉट प्लेसिंग द ऑर्डर नाउ। जब आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बायर की तरफ से कोई भी साइन मिल गया कि भी सेल्स को क्लोज करना है, वो रेडी हो गया बाय करने के लिए, तो उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना है, उससे ऑर्डर के लिए पूछना है कि सर मैं आपका ऑर्डर प्लेस कर दूँ।
उससे जो भी पॉइंट्स आपके एग्रीमेंट के हैं उनको दोबारा से रिवाइज करवाना है, या फिर आपको उसको हेल्प करना है जो भी उसका ऑर्डर है उसको राइट अप करने के लिए, उससे पूछना है कि भी आपको प्रोडक्ट ए चाहिए या प्रोडक्ट बी चाहिए, फिर बायर को आपको ऑफर करना है कि भी माइनर चॉइसेस करे कि कौन सा कलर चाहिए, क्या साइज़ चाहिए, या फिर आपको इंडिकेट करना है और उसी टाइम आपको बायर को ये भी बताना है कि बायर को क्या चीज़ का लॉस होगा अगर वो अभी आपके पास ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। तो आपको कुछ उसे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी या हम कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ भी ऑफर करनी है कि बायर अभी इमीडिएटली आपके साथ ऑर्डर प्लेस करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि आप बायर को तभी बता दें कि अगर आज आप अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे तो आपको ये लॉस होगा, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, या ऑर्डर डिले हो जाएगा, या ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये कलर नहीं मिल पाएगा, कुछ भी इस टाइप की चीज़ आपको बतानी है ताकि वो आपके साथ इमीडिएटली आपका ऑर्डर प्लेस कर दें। द सेल्स पर्सन माइट ऑफर स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट्स टू क्लोज सच एज एन एडिशनल सर्विस, एन एक्स्ट्रा क्वांटिटी और अ टोकन गिफ्ट। जैसे वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उसे ऑफर कर सकता है, या तो वो उसे बोल सकता है कि अगर आज ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल सर्विस मिलेगी, या कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल सकती है, या कोई एक टोकन गिफ्ट आप उसे दे सकते हैं ताकि वो आज के आज ही इमीडिएटली आपके साथ ऑर्डर प्लेस कर दें। तो इस तरीके से किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अपनी सेल्स को क्लोज करना है। इफ़ द क्लाइंट स्टिल इजंट बजिंग, परहैप्स द सेल्स पर्सन इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द राइट एग्जीक्यूटिव, अ मोर सीनियर पर्सन मे हैव द नेसेसरी अथॉरिटी। और अगर इतना करने के बाद भी आपको उसकी तरफ से कोई साइन दिखा कि भी सेल्स को क्लोज करना है, उसके बाद आपने उसको कुछ एडिशनल चीज़ें भी प्रोवाइड करवा दी, उसके बाद भी अगर वो आपके साथ ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, फिर इसका मतलब है कि भी जो आपका क्लाइंट है उसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं है, आप किसी गलत एग्जीक्यूटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप राइट पर्सन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ कोई अदर सीनियर पर्सन है जिसके पास वो डिसीजन लेने का अथॉरिटी है। तो इसलिए आपको तभी समझ जाना चाहिए अगर ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा कि आप किसी राइट एग्जीक्यूटिव के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। द सेल्स पर्सन ऑल्सो मे नीड टू फाइंड अदर वेज टू री इन्फोर्स द वैल्यू ऑफ द ऑफरिंग एंड हाउ इट एलिवेट्स फाइनेंशियल और अदर प्रेशर्स द क्लाइंट फेसेस। और अगर आपको लगता है कि क्लाइंट पूरी तरीके से रेडी नहीं है तो सेल्स पर्सन को कुछ अदर तरीके भी ढूंढने चाहिए, जैसे आप अपनी ऑफरिंग की वैल्यू उन्हें बताएं, दोबारा से आपके प्रोडक्ट की या ऑफरिंग की वैल्यू आप उन्हें समझाएं कि क्या क्या फ़ायदा या बेनिफिट्स उसको होगा, मॉनेटरी टर्म्स में भी बेनिफिट या वैल्यू समझाएं, और उसके बाद आप उन्हें ये भी बताएं कि जो क्लाइंट के फाइनेंशियल या अदर प्रेशर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, कैसे आपका ऑफर या आपका प्रोडक्ट उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा ताकि वो परचेज़ का डिसीज़न ले सके, आपके साथ ऑर्डर प्लेस कर सके। अगर आपको लगता है कि भी ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा तो आप इन मेथड्स का दोबारा से यूज़ कर सकते हैं कि दोबारा से आप अपनी ऑफरिंग की वैल्यू बताएं, उन्हें बताएं कि कैसे उनकी प्रॉब्लम को आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर देगा। तो ये था हमारा फिफ्थ स्टेप सेल्स को क्लोज करने वाला। उसके बाद जब आपके पास सेल्स का ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम वहीं ख़त्म नहीं होता, उसके बाद लास्ट स्टेप होता है फॉलो अप एंड मेंटेनेंस, कि उसे एक बार दोबारा कस्टमर को सेल होने के बाद एक बार दोबारा कॉल करना पड़ेगा फॉलो अप के लिए, ताकि उसे पता चल सके कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, और उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए भी उसे अपना एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। फॉलो अप एंड मेंटेनेंस आर नेसेसरी टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिपीट बिजनेस। ये कह रहा है अगर एक बार सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर लेने के बाद उस कस्टमर का फॉलो अप या मेंटेनेंस नहीं करेगा तो उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि भी आपका वो कस्टमर दोबारा से आपके साथ बिजनेस करेगा या कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए और उस कस्टमर के साथ रिपीट बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है कि सेल्स के बाद भी आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉलो अप और मेंटेनेंस रखे, वो एक बार ज़रूर उस कैंडिडेट को या कस्टमर को कॉल बैक करे, फॉलो अप करे, उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और दोबारा बिजनेस करने के लिए उसे रेडी रखें। इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द सेल्स पर्सन शुड सीमेंट एनी नेसेसरी डिटेल्स अबाउट डिलीवरी टाइम, परचेज टर्म्स एंड अदर मैटर्स इंपॉर्टेंट टू द कस्टमर। और जैसे ही आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने सेल्स को क्लोज किया तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि वो रिलेशनशिप्स को इतने अच्छे बिल्ड करे,
इस तरीके से कि वो सारी तो डिलीवरी की डिटेल्स ले ले कि कब उसे डिलीवरी चाहिए, किस तरीके से डिलीवरी चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन या पार्सल के थ्रू या फिर वो खुद लेने जाएगा, तो सारी डिटेल्स उसे डिलीवरी की पता होनी चाहिए, परचेज़ की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, अदर जितने भी मैटर कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सारी चीज़ों को उसे अच्छे से दोबारा सेल होने क्लोज होने के बाद एक बार फॉलोअप करना चाहिए। क्लियर? उसके बाद है ही और शी शुड शेड्यूल अ फॉलोअप कॉल आफ्टर डिलीवरी टू इंश्योर द प्रॉपर इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन एंड सर्विसिंग एंड टू डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम अश्योर द बायर ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट एंड रिड्यूस एनी कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये कह रहा है जो भी आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जब डिलीवरी हो जाए प्रोडक्ट की डिलीवरी होने के बाद उसे एक फॉलोअप कॉल कस्टमर को ज़रूर करना चाहिए उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन इंश्योर करने के लिए कि सर आपके घर पे प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गई थी ना, उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि सर आप ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या ये ऐसे ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सर्विस से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो समझाने के लिए, या फिर अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें फॉलोअप कॉल के साथ, या फिर आप कस्टमर को उसका जो इंटरेस्ट है उसके लिए एश्योर कर सकें कि आपके इंटरेस्ट का ही प्रोडक्ट हमने आपको दिया है और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि आप उसके डिसीज़न को दोबारा से एश्योर कर सकें एंड रिड्यूस एनी कॉग्निटिव डिसोनेंस, या फिर अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप उस डिसोनेंस को रिड्यूस कर सकें। द सेल्स पर्सन शुड डेवलप अ मेंटेनेंस एंड ग्रोथ प्लान फॉर द अकाउंट। और फॉलो अप कॉल करने के बाद जब आपको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पता चल गई कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाइड है, इंस्टॉलेशन भी अच्छे से होगी, आपने उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे दी, उसको जो भी सर्विसेज से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो बता दी, उसके इंटरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट आपने उसको भेजा उसके लिए एश्योर कर दिया कि उसने राइट डिसीजन लिया है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको लगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसके साथ रिपीट बिजनेस करने के लिए सेल्स पर्सन को एक मेंटेनेंस और ग्रोथ प्लान डेवलप करना पड़ेगा हर एक कस्टमर के लिए। जब उसे लगता है कि भी कस्टमर सेटिस्फाइड है, अच्छे से डिलीवरी इंस्टॉलेशन वगैरह हो गई है, उसके साथ रिपीट बिजनेस करने के लिए उस अकाउंट को कैसे वो ग्रो कर सकता है, कैसे उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकता है, उसके लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एक प्लान डेवलप करना पड़ेगा। तो ये लास्ट स्टेप होता है पर्सनल सेलिंग का, मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सेल्स करने के बाद उस अकाउंट को या उस कस्टमर को नहीं छोड़ सकता, उसके बाद उसको एक फॉलोअप कॉल भी करनी पड़ेगी कस्टमर की सारी चीज़ें सेटिस्फेक्शन वगैरह देखने के लिए, और उसके बाद उसे उस कस्टमर के लिए अकाउंट के लिए एक मेंटेनेंस और ग्रोथ प्लान भी बनाना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर हमारे साथ रिपीट बिजनेस करता रहे। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं है कि वो सिर्फ एक बार प्रोडक्ट सेल किया, उसका काम है कस्टमर्स को जोड़ना कंपनी के साथ ताकि कंपनी उनके साथ दोबारा रिपीट बिजनेस करती रहे। तभी तो फ़ायदा है कि पर्सनली हम जाके उनको साथ ऐसे रिलेशनशिप्स बनाते हैं कस्टमर्स के साथ कि वो हमेशा हमसे ही परचेज करें, हमारी ही कंपनी से। तो पर्सनल सेलिंग का यही फ़ायदा है कि आप ऐसे कस्टमर्स को कंपनी के साथ जोड़ें जो रिपीट कंपनी से बिजनेस करें, ताकि कंपनी को भी और कस्टमर को भी उससे फ़ायदा हो। तो ये था हमारा पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस जो आज की वीडियो के साथ कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया, रिलेशनशिप मार्केटिंग। वैसे तो ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको दिशा क्लासेस का कंटेंट और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि जितने एफर्ट्स मैं आपके लिए लगा रही हूँ उतना मुझे पेबैक नहीं मिल रहा, ना तो उतने वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही उतने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ दिशा क्लासेस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें ताकि मैं और भी कंटेंट आपके लिए लेके आती रहूं। और ये हमारा 10th चैप्टर है फिलिप कोटलर की बुक का, जो हम ऐसे लाइन टू लाइन कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने एफर्ट्स या मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड कीप स्पॉटिंग दिशा क्लासेस।